राजधानी भोपाल में एबीवीपी और निजी स्कूल के बीच चंदा विवाद बढ़ता जा रहा है। घटना को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि चंदे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा भी किया, जिसको लेकर एसोसिएशन आरोपियों पर सख्त धाराओं में एफआईआर की मांग कर रहा है। वहीं स्कूल संचालक पर दर्ज एफआईआर को भी एसोसिएशन ने गलत बताया है। बोलने ने स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के गुंडों द्वारा जो कृत्य किया गया है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसकी घोर निंदा करता है और हम इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। सोमवार को एसोसिएशन मध्य प्रदेश के डीजीपी से मिलकर इसकी शिकायत करेगा। गिरफ्तारी अगर सुनिश्चित नहीं की गई एक सप्ताह के अंदर तो हम लोग मध्य प्रदेश के सभी स्कूल, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बंद करेंगे अनिश्चित काल के लिए। और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बहुत जल्दी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। तो वहीं जबलपुर में बुजुर्ग दंपति से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। स्कूटी से जा रहे बुजुर्ग दंपति से चेन स्नैचिंग की गई है। बदमाशों ने गले से मंगलसूत्र छीन लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की घटना है और पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। हम, मेरी पत्नी और हमारी नातिन बल्लीबाग से हम लोग अपने घर बेदी नगर जा रहे थे। तो एमआर 4 से हम लोग आ रहे थे और यहाँ कचपुरा ब्रिज से चढ़ के नीचे उतर रहे थे तो तीन लड़के बाइक पे आए और हमारे रॉन्ग साइड से किनारे में घुसने लगे और वहाँ थोड़ा पानी बारिश हो रही थी, उन्हें हमारी पत्नी के गले से मंगलसूत्र झपट के छुड़ाकर एकदम से भाग गए। महिला पुरुष जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे थे कचपुरा ब्रिज के ऊपर से, तो उसी समय पर अज्ञात बाइक सवार ने उनके जो चेन मंगलसूत्र था उसको खींच करके ले गए हैं। दतिया में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां इंदरगढ़ अस्पताल ने मंगवाया है जनरेटर। प्रबंधन ने किराए पर दूसरा जनरेटर मंगवाया है। अस्पताल का जनरेटर खराब हो गया था। कल दिन और पूरी रात मरीज परेशान हुए थे। जनरेटर चलने के बाद मरीजों को राहत मिली है। न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि देखिए कैसे जो मरीज हैं उनके परिजन उन्हें हवा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे और भी कई मरीज हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। एक आधी जगह जहां पंखा काम कर रहा है वहां एक एक बेड पे दो दो तीन तीन लोग सोए हुए हैं। ऐसे में जनरेटर का इंतजाम किया गया और अस्पताल प्रबंधन ने जनरेटर मंगवाया है, दूसरा जनरेटर मंगवा लिया है किराए पर। कल दिन और पूरी रात मरीज परेशान हुए थे। जनरेटर चलने के बाद मरीजों को राहत मिली है। कल लाइट नहीं थी, आज क्या पोजीशन है? कल कुछ नहीं, रात भर नहीं, दिन भर नहीं, आज सारी व्यवस्था है। हाँ, टीवी वगैरह सब चल रहे हैं। आज पूरी व्यवस्था पूरी बनाई गई। आज कल हम 5 बजे आए तो यहाँ पर कोई व्यवस्था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि आज आप आज मीडिया वालों ने खबर बताकर खबर दिखाने पर जैसे कि पूरी लाइट की व्यवस्था हुई, इन्वर्टर चालू हुआ है और जनरेटर भी चालू हो गया, आज सारी व्यवस्था है। आज आपकी व्यवस्था से हम बिल्कुल सहमत हैं। आज अधिक लोड तकनीकी समस्या के कारण जनरेटर खराब हो गया था, अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर की व्यवस्था हो गई है। लाइट, कूलर, पंखे सब यथावत चालू हैं, मरीजों को कोई परेशानी नहीं। खंडवा में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर पर जिम्मेदार जागे हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। मुंदी नगर क्षेत्र में पानी में बरसते पानी में इस अभियान को चलाया गया। स्ट्रीट डॉग को पकड़ रही है नगर परिषद की टीम। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, तब जाकर जिम्मेदार जागे हैं। पकड़े गए स्ट्रीट डॉग को पामा खेड़ी के जंगल में छोड़ा जाएगा। बिलासपुर में मलेरिया और डायरिया का कहर जारी है। कोटा में एक बार फिर से मलेरिया के 14 नए मरीज मिले हैं।
इसके बाद यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 115 हो गई है। अब तक 5 मरीजों की मौत मलेरिया से हो चुकी है। रतनपुर में डायरिया के 24 नए मरीज मिले हैं और एक 19 साल की लड़की की डायरिया से मौत हो चुकी है। अब तक डायरिया के 845 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। और गंदगी का अंबार आप देखिए, बिलासपुर में टैगोर चौक से पुराना बस स्टैंड चौक रोड पर नगर निगम अतिक्रमण हटाया है। यहां एक होटल, टॉकीज, कॉफी हाउस और बस सर्विस की बाउंड्री और अवैध निर्माण दहा दिया गया। निगम का बुलडोजर टॉकीज और होटल की बाउंड्री और दुकानों पर चला। उनके संचालकों ने हंगामा, विवाद शुरू किया। अधिकारियों ने उन्हें निगम और राजस्व विभाग के कागजात और नक्शे दिखाए। इसके बाद भी दुकानदार सीमांकन की मांग करने लगे। 4 घंटों के अंदर निगम ने रसूखदारों के बेजा कब्जा हटाने के साथ ही कई अवैध दुकान दहा दिए। और अब खबर रायपुर से है, जहां महापौर अपने ऊपर एफआईआर को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा कि साय सरकार अब धाएं धाएं हो गई है, जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरे को और उसके बाद एफआईआर मेरे ऊपर की जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का वीडियो आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से वो वीडियो जारी होता है और वीडियो जारी होने के बाद फिर पुलिस कार्रवाई करती है। अरे भैया, जो लोग शहर में अपराध कर रहे हैं, ये रायपुर अब चाकूपुर बन गया, ये रायपुर नहीं रहा। और जो साय साय की सरकार है ना, वो ढाए 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 हो गई है। अब साय साय नहीं हो रहा, सब ढाए 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 बंदूक चल रही है। तो जिनको अपराध जो कर रहे हैं, वो उनको पकड़े अपराध को। मुझे बड़ा अफसोस है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूरजपुर से रेफर किए गए एक मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया और ऑक्सीजन नहीं मिलने की बात कही है। साथ ही नर्स पर मरीज को सही से देखरेख नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। इसका तबीयत खराब था, सूरजपुर जिला हॉस्पिटल में लाए। डॉक्टर बोला कि नहीं, इसका फेफड़ा में थोड़ा का सूजन आ गया है, अंबिकापुर ले जाओ, वहाँ बढ़िया इलाज, यहाँ ऑक्सीजन का परेशानी है, ऑक्सीजन वहाँ बढ़िया मिलेगा। यहाँ लाया सर, तो सुबह से डॉक्टर आए, देखे, चेक किए और चले गए। कुछ सुई भी लगा, कुछ ठीक था, ऑक्सीजन भी दिए थे, लेकिन ये लोग ऑक्सीजन ख़त्म झटक दिया था सर, वो दिख रहा है सर, उसी में डाले थे, झटक दिया था सर, वो उसी के कारण से बाबूजी का जी खत्म हो गया। वहाँ से आए, उधर इमरजेंसी में करवाए भी तो ऑक्सीजन मिला यहाँ आते तक। उसके बाद फिर यहाँ आए, थोड़ा ऑक्सीजन मिला, उसके बाद ये आपका देख रहे हैं, झटक दिया। उसके बाद इसको लेके मैं कई बार सिस्टर लोग के पास भी गया था, 2 से 3 बार गया था। सिस्टर लोग बोलते हैं वो नहीं, ये है, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, वो लोग आए ही नहीं, बोलते हैं बार 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 मेरे को, बार बार हम लोग को बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ अभी? वही आप तो यही बाबूजी डेट कर गए। लापरवाही है इसमें? हाँ, लापरवाही, नर्स लोग को बहुत लापरवाही है। शिकायत आया है कि सिस्टरों को बार बार बुलाने के बाद भी सिस्टर लोगों के द्वारा सही ढंग से अप्रोच नहीं किया जाता है मरीजों को, और मरीज वहाँ दर्द से तड़पता रहा, लेकिन सिस्टर उठ के अपने कुर्सी को छोड़ के वहाँ तक गई नहीं। साथ में ऑक्सीजन का सप्लाई तो है, लेकिन जो नोज़ल है, नोज़ल में फॉल्ट आने की शिकायत है, और नोज़ल का जो फॉल्ट है उसको तो फिज़िकली चेकअप करा सकते हैं, लेकिन सिस्टर के बिहेवियर का फिज़िकल चेकअप करना तो बहुत ज़्यादा समस्या का जड़ ऐसा प्रतीत होता है। इसके लिए मैं अपने उमरिया में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि वो शराब के नशे में मस्त नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल भी किया। मामला पाली ब्लॉक के
गिंजरी प्राथमिक शाला का बताया जा रहा है। वीडियो में शिक्षक अपने बाप और बेटे के सरपंच होने की धौंस बताकर किसी से न डरने की बात कह रहा है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद शराबी शिक्षक निलंबित कर दिया गया है। नशे की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है। रायसेन के सिस्टम पर सवाल उठाती तस्वीर सामने आई है, जहां खाट पर शव रखकर ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। सड़क न होने से जब तक लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। समय रहते अगर पहुंच जाते तो शायद युवक की जान बच जाती। बता दें कि बरसात के समय में कई गाँव सड़क डूब जाने से प्रभावित होते हैं और ऐसे में गीतगढ़ ग्राम पंचायत के हिनौतिया गांव का ये मामला है, जहां अंबाड़ी और शक्ति हिनौतिया को जोड़ने वाली नदी पर पुल नहीं होने से ये घटना हुई है। ऐसा है कि ये मामला आएगा, अपना अपनी जो नदी है ना उससे अपने को बहुत दिक्कत पड़ रही है, और क्योंकि आप उपचार अपने को बराबर नहीं मिल पा रहा है। नदी चढ़ने के बाद में जो देखो आप हाथ से इधर देखो आपको आप दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ऐसा है कि उनको उपचार नहीं मिल पा रहा, ये पुल है छोटा और इससे कि उसको उपचार नहीं मिल पा रहा, इसको मौत हो गई, डेड हो गई, और अपनी जो डिलीवरी परमानेंट अपना जो चलता है ना बरसात में डिलीवरी हो जाती है उसको भी ऐसा लेकर जाना पड़ता है। ले जाएंगे सर पलंग पे जी, तो कितनी दिक्कत आती है इस नदी से नीचे पुले? अरे बहुत दिक्कत आई सर, हम गर्दन गड़गड़े गर्दन नदी नदी साथ शादी पानी है, उसमें बाहर निकालने दिक्कत आती है, पढ़ निकाले हैं। क्या होगा तो इनको क्या केस कहते सर? तबीयत खराब हुई थी, तबीयत किसी और ज्यादा रात में क्या होगा आदमी। ग्वालियर के कंपू इलाके में किन्नर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित किन्नर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद किन्नर को धमकी भी दी है। कंपू पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी सोहेल वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि सरकारी मल्टी में रहती है और उनकी मल्टी में ही दूसरा पड़ोस में एक युवक किराए से रहता है, दोनों की दोस्ती थी और वो उसने युवक ने जो है विश्वास में लेके उसको उसके साथ में दुष्कर्म करने का आवेदन दिया था, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और अब एक ऐसी खबर जो थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर है। दरअसल बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र से 25 गधे गायब हो गए हैं और पुलिस शहर में गधों को ढूंढ भी रही है। चार दिनों बाद भी गधे घर नहीं पहुंचे तो गधों के मालिक कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गधे ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गधा मालिकों ने कहा कि गधा ही परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है, गधों के बिना जन जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने जांच के लिए गधा मालिकों को आश्वस्त किया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी से पीएम मोदी जो है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो, उनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है और अब वो निकल चुके हैं, बैठक से निकल चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में ही ये बैठक हुई थी और यहां से पीएम मोदी निकल चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें कि अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक से पीएम मोदी अब निकल चुके हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल हुए थे इस महत्वपूर्ण बैठक में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय, बीजेपी की बैठक अब खत्म हो चुकी है, बैठक से पीएम मोदी निकल चुके हैं। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे और आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं, जिन्होंने सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देकर। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय बगल बगल में बैठे हैं। इसके अलावा और भी ऐसे मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के
मौजूद रहे इस महत्वपूर्ण बैठक में। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि डेप्यूटी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक का हिस्सा बने रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, भजन लाल शर्मा की तस्वीर। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस तरह अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं नजर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, ऐसे कई चेहरे, अहम चेहरे जो हैं वो नजर आए इस मीटिंग में और सारे ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग का हिस्सा बने। इस मीटिंग के बाद अब निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक के बाद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए अरुण साहब को आप देख रहे हैं और विजय शर्मा को आप देख रहे हैं। अरुण साहब डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के और विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के नजर आ रहे हैं। अशरफ काजमी संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी आपके पास, क्या बातचीत हुई है, ये मीटिंग कितनी खास रही? देखिए अंशिका, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद ये आज पहली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक थी और इस बैठक में प्रमुख रूप से जो पार्टी ने जो जीत हासिल की है तीसरी बार फिर सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा आई है तो उस पर चर्चा की गई। साथ साथ ही अब जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत की गई कि कैसे जनता के बीच में जाना है और इसके अलावा जो केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाया जाएगा, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इस मुद्दे पर चर्चा की गई और आज की बैठक कल भी जारी रहेगी। कल सुबह 9 बजे से ये बैठक शुरू होगी और दोपहर तक जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है तो पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी में इंडिया हाउस बनाया गया है। ये ओलंपिक खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस है। इंडिया पेरिस में बना इंडिया हाउस भारतीय संस्कृति, कला, खेल, टेक्नोलॉजी और खाने की वैरायटी में एक बेहतरीन अनुभव देता है। हाउस ने ग्लोबल लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड ब्यूटीफुल इंडिया को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया। इंडिया हाउस 27 जुलाई से 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि इंडिया हाउस के जरिए दुनिया को भारत की विरासत का नज़ारा देखने को मिलेगा। More power to Jyoti and every young girl and boy in India and around the world who find the courage, passion and discipline to chase their dreams and make them come true. Today, we salute all the athletes from around the world competing in Paris and send them our compliments, congratulations and best wishes for the games. Friends, at India House, we welcome the world to experience the beauty, diversity, and rich heritage of India right here in the heart of Paris. India House is not a destination. It's a new beginning for India. And to celebrate it, we have a short program that brings you the essence and the spirit of our country. I hope you enjoy it and I wish you all a wonderful time at the Games. May they embody the noble values of sport and Olympism. Sport
is the biggest unifier, and our world and our children need it now more than ever before. Thank you. Dhanyavaad. Jai Hind. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे